दोस्तों आज का ये जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि फोर्थ एडिशन से लेके सिक्स एडिशन तक जो लक्ष्मीकांत यहां पर ये किताब आई है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, यानी कि कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं, यहां पर कितने चैप्टर थे, यहां पर कितना इसमें एडिशन हुआ, और अब जो नया एडिशन इसका लेटेस्ट अभी आया है सिक्स एडिशन, यानी कि जो छठा संस्करण है उसमें कितने चैप्टर यहां पर ऐड हुए हैं। अच्छी बात यहां पर ये किताब जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो किसी भी मीडियम से आप लोग तैयारी करें तो इस किताब को आसानी से आप लोग ले सकते हैं। और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि कौन कौन से जो चैप्टर ऐड हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताकर भी चलूंगा कि उन चैप्टर के बारे में इस चैनल पर आप लोगों को क्या मिल सकता है, यानी कि ऑलरेडी मैं कितना यहां पर कवर कर चुका हूं और क्या आप लोगों का बचा हुआ है जो कि आने वाले टाइम में कवर करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में कौन सा एडिशन है। अगर फोर्थ एडिशन है तो फोर्थ लिखिए कमेंट बॉक्स में, फिफ्थ है तो फिफ्थ, और सिक्स्थ है तो सिक्स, क्योंकि मुझे ही पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास में कौन सा एडिशन है और फिर उसी के हिसाब से आने वाले जो लेक्चर रहेंगे उसमें भी आप लोगों को कुछ गाइड करता चलूंगा कि आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए। बाकी अभी क्या क्या ऐड हुआ है, जो नया एडिशन आया फिफ्थ और सिक्स्थ, उसमें मैं आप लोगों को यहां पर चीजें बताऊंगा। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पर फोर्थ एडिशन था और आज की डेट में सिक्स्थ एडिशन है, तो फोर्थ से लेके सिक्स तक की ये जर्नी कैसी रही पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। जब मार्केट में इसका फोर्थ एडिशन था तो उस टाइम पर इसमें 71 चैप्टर हुआ करते थे। जो लास्ट चैप्टर था यहां पर ये था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फोर्थ एडिशन में टोटल मिलाकर 71 यहां पर आप लोगों के चैप्टर हुआ करते थे। फिर जब इसका नया फिफ्थ एडिशन आया तो उस टाइम पर इसमें मिलाकर टोटल 76 चैप्टर हो गए, 76 चैप्टर हो गए यहां पर। लेकिन जो नए चैप्टर ऐड हुए वो यहां पर पांच नहीं, टोटल सात चैप्टर यहां पर ऐड हुए। वो चैप्टर कौन कौन से थे, यहां था पार्लियामेंट्री ग्रुप, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नीति आयोग, वोटिंग बिहेवियर और इलेक्शन लॉज। तो ये सारे चैप्टर मैं आप लोगों के ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, फोर्थ एडिशन आप लोगों का पूरा कवर हो चुका है और ये सारे चैप्टर भी मैं आप लोगों के कवर करा चुका हूं। तो अगर आप लोग के पांच में फिफ्थ एडिशन तक है तो इसका मतलब आप लोगों के सारे चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक एक इक्का दुक्का आप लोगों का लेक्चर बचा हुआ है जो कि मैं जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगा, वो आप लोगों का एक तो है आर्टिकल 371 जो कि एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, और एक आधा और मुझे बच्चों ने कमेंट किया था वो बचा हुआ है कुछ चैप्टर्स जो मैं आप लोगों के जल्दी ही कवर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर जो ऑलरेडी वो सीरीज देख चुके हैं तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने देखी है तो क्या आप लोगों को लगा कि उसमें कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने देखी है या नहीं, जिसने देखी है वो वाई लिखे कमेंट बॉक्स में, जिसने नहीं देखी है वो एन लिखे यानी कि नो, तो यहां पर ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों ने इसको देखा है और क्या क्या मुझे आके आने वाले टाइम में इसमें रिवीजन कराना है। तो जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम पास में आता है तो आप लोगों का यहां पर रिवीजन भी होता रहेगा, तो इसको मैं रिवाइज भी कराता चलूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछता चलूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है। अब जो नया यहां पर अभी एडिशन आया है ये इसका छठा संस्करण, तो जो छठा संस्करण है सिक्स्थ एडिशन जिसको आप लोग बोल रहे हैं उसमें नया क्या ऐड किया गया है, तो टोटल मिलाकर इसमें छह चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। एक तो आप लोगों को पता है सबसे पहला जो एडिशन है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जो काउंसिल है उसके बारे में यहां पर इसकी वर्किंग को समझाया गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहां पर यह है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है यह है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेक्स्ट जो नेक्स्ट चैप्टर यहां पर ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेक्स्ट यहां पर रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, और नेक्स्ट यहां पर ये कोएलिशन गवर्नमेंट्स। तो यहां पर इस तरीके से ये छठा जो संस्करण है इसमें ये चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो जल्दी ही ये चैप्टर भी आप लोगों के मैं कवर कराऊंगा। पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में फोर्थ एडिशन है तो देखिए आप लोगों को मेरे हिसाब से सिक्स्थ एडिशन जरूर ले लेना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में फिफ्थ एडिशन है तो ज्यादा चैप्टर ये जो ऐड हुए हैं ये ज्यादा चैप्टर नहीं है, आप लोग चाहे तो अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, कोई एक किताब खरीदना कोई गलत बात नहीं होती है। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि पैसे नहीं है इतना नहीं हो पाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग तीन चार बंदे जो कोई हो उसके पास में देख लीजिएगा और इनकी जीरोक्स कॉपी आप लोग करा लीजिए, ठीक है। तो भी आप लोगों को यहां पर काम चल जाएगा, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और जिस किसी को खरीदनी है ये नई किताब, इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर उसको खरीद सकते हैं। जिस किसी को लगता है कि उसको नया एडिशन खरीदना चाहिए तो नॉर्मली होता है कि ऑनलाइन आप लोगों को थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज कंपेयर टू अगर आप लोग ऑफलाइन जाकर खरीदते हैं, तो वहां से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। इसी के साथ में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई थी, अगर आप लोगों को लगता है, देखिए वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा खरीद लेनी चाहिए क्योंकि नई किताब जो होती है
आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेंगी उसमें, ठीक है। कई सारे उसमें जैसे कि नई किताब जो आती है तो उसमें पुराने पेपर भी अपडेट करते हैं, या आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस भी है नए नए जो अभी रिसेंटली पेपर में आए वो भी अपडेट करते हैं, तो नई किताब के साथ में नई चीजें तो मिलती है, वो तो डेफिनेट सी बात है। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि फैमिली जो किसी कंडीशन को लेते हुए कि हाँ नहीं खरीदनी है किताब, जो भी आप लोगों को कंडीशन लग रही है, तो फिर आप लोग इनकी फोटो कॉपी करा लीजिए, पर फोर्थ एडिशन है तो खरीद लीजिए, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों ने किसी ने अब तक कोई लक्ष्मी किताब खरीदी नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा चांस है, आप लोग इसको खरीद लीजिए ताकि आप लोगों के पास में ये किताब हो। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस किताब को आप लोग लेकर चलते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। देखिए अगर एक किताब आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एक किताब को कम से कम 7 या 8 बार अगर आप लोग उसमें को निकल जाते हैं तो फिर एक तरीके से आप लोग की उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। 7-8 बार ये नहीं कह रहा कि एक लाइन लाइन पकड़कर आप लोगों को पढ़नी है, बहुत सारी चीजें तो अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, एनसीईआरटी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या कहां पर क्या क्या, एक तरीके से मोटा मोटा आइडिया हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसके बारे में। बाकी जो किताब है वो एक आप लोग को स्पेशलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में गहराई से समझ सके। तो फिर आंसर अगर आप लोगों को रखना है किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अगर इंटरव्यू का आंसर आप लोगों को देना है तो वो भी आप लोग ढंग से चीजों को कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड कर चीजों को कैसे चलना है, जैसे मैंने आप लोगों की पॉलिटी पढ़ाई है उसमें टोटल मिलाकर लगभग 180 के करीब लेक्चर हैं, तो मैंने कहीं पर भी आप लोगों को एक लेक्चर में भी ये नहीं बोला कि ये चीजों को रट लो, मैंने बोला कि चीजों को अंडरस्टैंड करो, तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें समझ कर आगे बढ़ेंगे तो वही चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, रट कर पढ़ेंगे तो एग्जाम में जरा सी टेंशन होती है वो छूमंतर हो जाएंगी सारी चीजें। तो इसीलिए अच्छे से चीजों को समझ कर आगे बढ़ना है, खासकर अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो रटने वाली जो चीजें उससे बहुत ऊपर आप लोग उठ जाइए, फिर तो रटना ही नहीं है, फिर तो चीजों को अंडरस्टैंड कर ही काम चलेगा। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे आगे आने वाले टाइम में कवर करूंगा वो आप लोगों में जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो भी नए चैप्टर हैं ये तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा जिस किसी ने पुराने सीरीज सारी देखी है उसको लग रहा है कि कोई चैप्टर बच गया है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि उसको अपडेट किया जा सके। इसी के साथ में आप लोगों के जो कुछ चीजें और भी आएंगी इससे रिलेटेड, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से जो नए नए अमेंडमेंट्स हुए वो भी मैं आप लोग अपडेट करूंगा, और जो खासकर बहुत सारी जो चीजें न्यूज में है पॉलिटी से रिलेटेड, एक पॉलिटी का करंट अफेयर वो भी आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को यहां पर मिलने वाली हैं जो कि हम लोग काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी अगर आप लोग ढंग से कर पाते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली सभी कर लेते हैं। अगर यहां पर आप लोग गलत हो रहे हैं, यहां पर आप लोग सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो देखिए फिर आप लोग काफी पीछे रह जाते हैं। तो पीछे आप लोगों को नहीं रहना है, खासकर आसान सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर टफ होता है तो वहां पर तो सभी पीछे रहते हैं, पर आसान सब्जेक्ट में अगर पीछे रह जाते हैं तो आप लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। तो कभी भी पॉलिटी को तो कम से कम आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम ऐसे आते हैं जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, और खासकर जो न्यूज में होता है, जैसे आप लोगों को पता है जब भी हम लोग हिंदू न्यूज पेपर डिस्कस करते हैं तो पॉलिटी का कितना बड़ा सेक्शन रहता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कभी न्यूज में, अभी आर्टिकल 131 न्यूज में था, कभी आर्टिकल कोई सा न्यूज में आता है, 370 कितना ज्यादा न्यूज में रहा है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है हमारे, आर्टिकल आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक कितने ज्यादा न्यूज में आप लोग रहते हैं, कभी फंडामेंटल ड्यूटीज न्यूज में आ जाती है, प्रीएम्बल न्यूज में आ जाता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ सेक्युलरिज्म का सिद्धांत ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐड किया गया हमारे संविधान में। तो ये सारी चीजें आप लोगों की बैक टू बैक आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग इनको ढंग से समझ पाएंगे और ढंग से इनको अंडरस्टैंड करके आप लोग इनको एक तरीके से, वो नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन तभी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप लोग इनको ढंग से अपने जहन में उतार पाए। तो एक जहन में उतारने का मतलब है कि आप लोग चीजों को घोटकर पी गए हैं, तो घोटकर कैसे पीना है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि लक्ष्मीकांत को किस तरीके से आप लोग कवर करना है। अब आगे क्या करके चलना है वो आप लोगों को आने वाले लेक्चर में यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई और सजेशन या सुझाव आ रहा हो कि हाँ हम लोग को ऐसा करना चाहिए, पॉलिटी को ऐसे लेकर चलना चाहिए, तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस देकर चलेंगे, ठीक है। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात यहां पर ये होगी पॉलिटी की पीडीएफ के बारे में काफी आप लोग बात करते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे जैसे आप लोगों का रिविजन कराता हुआ चलूंगा वैसे वैसे आप लोगों की जो भी यहां पर चैप्टर का रिविजन हो जाएगा उस चैप्टर की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी ऑलरेडी, कुछ तो पीडीएफ में आप लोगों टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं जो लेक्चर के डिस्कशन हुए थे, पर लेकिन जो मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से वो जो पीडीएफ थी वो फॉर्मेट हो गई थी, ठीक है। बाकी जो मैं आगे बनाता चलूंगा, अभी मैं थोड़ी सी मेहनत मेरी लगेगी तो मैं उन पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड कराता चलूंगा, उनको समेटता हुआ चलूंगा ताकि सारी पीडीएफ भी आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा एक पैटर्न रहने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और सुझाव सजेशन यहां पर इसके बारे में देना है
कि हाँ ये चीजें भी हम लोगों को कवर करनी है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स आप लोग का कंप्लीटली खुला हुआ है, आप लोग जाकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर जाएंगे तो स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप लोग ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर अगर लेक्चर की आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक आराम से पहुंच जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यही थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग जैसा कहेंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी आप लोगों के सुझाव सजेशन होंगे उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन से जो आप लोगों को लगता है कि चैप्टर बचे हुए हैं और किस किसने लेक्चर देखे हैं और कौन सा एडिशन है आप लोगों के पास में। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।